हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देखिए, जो 16 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी इंग्लिश के एरर आए थे उसी टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे आए थे। साथ में इसके जस्ट एक घंटे बाद आपको 17 सितंबर के भी इंग्लिश टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आज का जो भी रिव्यू होगा वो भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको पता होगा, आपको लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पर शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक, नो वे इट। देखिए, सेम क्वेश्चन मैं सेकेंड या फर्स्ट पार्ट में कराया था, एकदम सेम उसी पे बेस एक क्वेश्चन है, दे हैव प्लेड अ गेम। अब देखिए, आप दे से स्टार्ट करेंगे तो दे के साथ हैव लगता है, प्लूरल प्लूरल, ये सही है। प्लेड से हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस जो है हमारा पास्ट टेंस में जा रहा है। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। अब ये देखिए, समय बता दिया। तो हमने एक रूल उसमें समझाया था कि अगर परफेक्ट के साथ पॉइंट आप टाइम जोड़ दे, टाइम की बात कर दे, तो तुरंत किस में चला जाता है, इंडेफिनिट में। तो ये सेंटेंस पूरा पास्ट में, तो ये कहाँ चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अब एक तो आप इस, अगर ये रूल याद है तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रूल नहीं याद है तो आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए लास्ट वीक की बात कर रहा है, मतलब पिछले सप्ताह कोई काम हो चुका है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि कोई आपका जन्म कब हुआ है, तो आप हरदम पास्ट में बताते हैं। क्यों हरदम पास्ट में बताते हैं, क्योंकि आपका जन्म जो है पास्ट में हो चुका है। कभी भी आप कहीं भी अपने जन्म के बारे में बताएंगे तो हमेशा V2 यूज करेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में बजाएंगे। सेम इसी तरह जो गेम है लास्ट वीक खेला जा चुका है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और ये हो जाएगा, यहाँ से हैव हट जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, ये जो है लाइन इसकी सही होगी। आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। पहला रूल ये याद रख सकते हैं कि परफेक्ट प्लस पॉइंट आप टाइम हो तो इंडेफिनिट होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप सिंपल एक रूल याद कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी स्टर्डे, एगो और लास्ट प्लस टाइम आएगा, लास्ट के साथ क्या आ जाएगा, प्लस टाइम, टाइम कुछ भी हो जाएगा, तो वो हमेशा P1 पास्ट इंडेफिनिट में होगा और उसके साथ जो है V2 वर्ब के सेकेंड फॉर्म, या अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड प्लस V1, क्या डिड प्लस V1 का यूज होगा। तो बस आप इतना याद रखिए, इससे ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ ही हैड वॉक्ड फास्ट एनफ ही विल गेट द बस। अब देखिए, इस सेंटेंस को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो रूल से, एक बिना रूल के। पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं क्या है। देखिए, इफ़ ही हैड वॉक्ड फास्ट एनफ, अगर वो तेज़ी से चलता तो वो अपना बस पकड़ सकता था। ही विल गेट द बस, और यहाँ देखिए ही हैड वॉक्ड, जब आपने पहली लाइन पढ़ी तो आपको क्या समझ में आया, बात जो हो रही है पास्ट टेंस में हो रही है। आप आगे बढ़ते हैं, समझते जाते हैं, लेकिन सडनली आपको क्या मिल जाता है, फ्यूचर की बात मिल जाती है। तो आप ये चीज़ चेक करेंगे इसमें कि क्या जो बात हो रही है कुछ ऐसी हो रही है जो पास्ट से चल के प्रेजेंट में आते हुए फ्यूचर पे जा रही है। आप पाएंगे नहीं, कुछ ऐसा तो सेंटेंस में हो नहीं रहा, इफ़ ही हैड वॉक्ड फास्ट एनफ ही विल गेट द बस, जी नहीं, जो पूरी की पूरी बात है, पूरी की पूरी बात पास्ट टेंस के अंदर ही हो रही है, फ्यूचर की कहीं से कोई बात नहीं है। तो ये विल गेट तो गलत हो जाएगा, तो आपको तो एरर तुरंत समझ में आ जाएगा, हाँ एरर यहीं पे है। अब इस एरर को आप कैसे सही कर सकते हैं, देखिए, इफ़ ही हैड वॉक्ड फास्ट एनफ ही विल गेट, अब विल का जो है पास्ट फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। अब इतना आप समझ गए, अब कुछ रूल है जो आपको रटना पड़ेगा, वो समझने का नहीं है। वो रूल क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें पहला रूल ये है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस जो इफ़ या और से शुरू होते हैं, उनके साथ अगर पास्ट परफेक्ट यूज होता है, अब पास्ट परफेक्ट से क्या मतलब है मेरा, कि सेंटेंस में हैड प्लस V3 आना चाहिए, हैड प्लस V3 आना चाहिए, तभी पास्ट परफेक्ट होगा। अगर है तो हमेशा, एक बात आप समझ लीजिए, हमेशा आपको विल मिलेगा, उसको सही करने के लिए आपको वुड प्लस हैव प्लस V3 लगाना पड़ेगा। मैंने समझा दिया, अगर आपको रूल नहीं याद है तो आप कैसे सोच सकते हैं, आप एरर तो कम से कम ढूंढ ही लेंगे, इतना तो कर लेंगे। नहीं तो अगर आपको रूल याद है तो सिंपल, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट है तो वुड प्लस हैव प्लस V3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, सही सेंटेंस देखिए,
देखिए इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट एनफ ही वुड है प्लस v3 लग जाएगा, फिर द बस हो जाएगा। अब इसी तरीके से जब ये क्वेश्चन टच किया है तो कुछ और भी पूछा जा सकता है, वो भी आप याद रख लीजिए। अगर कंडीशनल सेंटेंस में मान लीजिए इफ से स्टार्ट है वो, अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं होता, केवल इफ ही हैड होगा, इफ ही वॉक्ड होगा, केवल क्या इफ ही वॉक्ड, केवल v2 होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। और जब यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट होगा तो आपको केवल वुड प्लस v1 लगाना है, हैव नहीं लगाना है, क्योंकि हैज हैव हरदम किस में, परफेक्ट में लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड प्लस v1। और अगर यहीं पे प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता, वर्तमान की बात करता, तो यहाँ पे हमेशा विल सही होगा। ये भी याद रखिए, अगर यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करेगा तो विल जो है हमेशा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही इज योर ब्रदर इज नॉट इट। देखिए ये क्वेश्चन टैग का ये मैंने नहीं कराया था, ये छूट गया, ये एक एक्स्ट्रा आया है। मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन टैग में केवल 3 चीज़ देखना होता है। पहले आप देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या, अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइए जो भी एरर है वो क्वेश्चन टैग का है। अब क्वेश्चन टैग में आपको क्या चेक करना होता है, पहले तो आप चेक करेंगे अगर जो आपका शुरुआती स्टेटमेंट है, मीन्स इस ये स्टेटमेंट होगा ही इज योर ब्रदर, अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसको हम हमेशा नेगेटिव में बदलेंगे, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमेशा इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे। ये तो आप सिंपल समझ सकते हैं नॉट देख के, लेकिन आप केवल नॉट देख के नहीं समझ सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन टैग में हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा नेगेटिव होते हैं, उन वर्ड को भी याद रखना पड़ेगा, उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। जैसे वर्ड क्या है, बेयरली, रेयरली, हार्डली, ये तीनों जो वर्ड हैं ये अपने आप में क्या देते हैं, नेगेटिव सेंस। तो अगर ये इस पोर्शन के आस इसमें आते हैं, पहले वाले पोर्शन में आते हैं आपके यहाँ पे कहीं, तो ये हमेशा जो है नेगेटिव सेंटेंस होगा, और इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये क्या है, क्वेश्चन टैग है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल रूल क्या है, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अब आगे क्या करते हैं, जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहता है, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मतलब जैसे यहाँ पे इज है तो यहाँ पे क्या कर दिया, इज नॉट, ये सही है। अगर वाज रहता तो क्या होता, वाज नॉट। अगर आर रहता तो क्या होता, ए आर ई आर, आर नॉट हो जाता। एक इसमें अपवाद है, वो आप ज़रूर याद रखिए, एम, अगर एम होता है तो भी और नॉट होता है, क्या होता है, और नॉट। ये चीज़ आप याद रखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन टैग सही होगा। अगर यहाँ पे आई एम हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो और नॉट से बनेगा। और तीसरी सबसे अहम बात, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ही की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है, इट है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट में आएगा ही। तो इसका सही सेंटेंस होगा ही इज योर ब्रदर इज नॉट ही। तो एरर किस पोर्शन में, इस पोर्शन में ये होगा, इज नॉट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माय फादर हैज़ रिटर्न बैक टू चेन्नई स्टरडे। यहाँ पे देखिए, अब दो वर्ड देखिए ध्यान से, जैसे सेंटेंस आप पढ़ेंगे, रिटर्न बैक, रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस आना, और बैक मीन्स क्या होता है, वापस आना। तो आपने सुपर फ्लोस पढ़ा होगा, एक शब्द पढ़ा होगा सुपर फ्लोस, मतलब जब एक ही तरह के दो वर्ड आ जाए तो वहाँ पे सेंटेंस सुपर फ्लोस कर सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, क्योंकि बात पास्ट में हो रही है तो यहाँ पे बैक को हटा के हम रिटर्न रखेंगे। सही क्या होगा, माय फादर हैज़ रिटर्न टू चेन्नई स्टरडे। सॉरी, यहाँ से हैज भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हुआ। तो सही सेंटेंस होगा, माय फादर रिटर्न टू चेन्नई स्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक। देखिए अब आपको कैसे देखना है, देयर, देयर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ड लगा है, आर लगा है, तो ये तो पॉइंट सही है। नो, ओके, नो का यूज हुआ है, मतलब सिंपल यूज हुआ है, ये सेंटेंस सिंपल है, किसी टेंस वेंस में नहीं। तो पोएट्री, जब पोएट्रीज आप पढ़ेंगे तो आपको, अगर देखिए ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, इसको रटने के अलावा कोई तरीका नहीं है, कि पोएट्रीज का प्लूरल कभी नहीं बनता, वो हमेशा क्या होता है, poetry, पोएट्री। कुछ इसी तरह और वर्ड हैं जिनका प्लूरल नहीं होता, जब मैं वो आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो यहाँ पे तो एरर सिंपल मिल गया और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जो 16 सितंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे।
तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए था नहीं, इसलिए इसको जल्दी जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया है। अब जब 17 सितंबर और 18 सितंबर में अगर अच्छे क्वेश्चन आए होंगे तो मैं उनको अभी आपके सामने लेके आऊँगा, नहीं तो कुछ अलग से क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड।